आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मैच के अंदर काफी अच्छा खेलते होगे, काफी अच्छा किल निकाला होगा, या फिर कभी कभी तो पूरी स्क्वाड के बीच में घुस जाते होगे, दो तीन नॉक्स भी निकाल रहे होगे वहाँ से, बट स्टिल आप वो मैच हार जाते हो। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लो। जोक्स अपार्ट, इसका मेन रीजन है कि आप लोगों के पास अपना एक परमानेंट स्क्वाड नहीं है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाने वाली है। और लिटरली मैं ये बता रहा हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को दो ट्रिक दूंगा अपना परमानेंट स्क्वाड फाइंड करने की, और लिटरली जो पहली वाली ट्रिक है ना वो आप लोगों ने यूट्यूब पे किसी ने आप लोगों को नहीं बताया होगा। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन। आपको अपनी परमानेंट स्क्वाड कैसे मिलेगी ये तो मैं बताऊंगा ही, बट उससे पहले बात करते हैं कि आखिर अभी तक आप लोगों की परमानेंट स्क्वाड क्यों नहीं है और आप लोगों को परमानेंट स्क्वाड कैसे मिलेगी, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों का अपना परमानेंट स्क्वाड क्यों नहीं है और आप लोग भी इस चीज के बारे में बताने कि हाँ ऐसा करते हो कि नहीं आप लोग। तो देखो अभी के टाइम में आप लोग जितने भी लोग गेम खेलते हो वो हमेशा जो है अपने गेम पे टोटली फोकस करते हैं, ना कि किसी का गेम प्ले देखना चाहते हैं, ना ही कुछ करना चाहते हैं, बस पूरा माइक स्पीकर सब कुछ ऑफ करके रखते हैं गेम के अंदर, अपने गेम पे फोकस करते हैं। ये अच्छी बात है कि आप लोग अपने गेम पे फोकस करते हो, बट अगर आप लोग अपनी परमानेंट स्क्वाड चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को प्लेयर्स तो खोजने होंगे। इसलिए आप लोग कब से जब भी गेम खेलना तो अपने माइक स्पीकर को ऑन रखना, लोगों को गेम को देखना, जब भी आप लोग मर जाते हो तो आप लोग बैक करते हो तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों की गेम के देखना कि उसका क्या अच्छा है। किसी किसी का जो है लॉन्ग रेंज काफी अच्छा होता है, वो एसोल्टर होता है या फिर काफी अच्छा लॉन्ग रेंज में फाइट कर लेता है। किसी किसी का जो होता है शॉर्ट रेंज काफी अच्छा होता है, शॉर्ट रेंज में काफी अच्छे नॉक्स निकाल लेता है, कोई कोई स्नाइपर अच्छा चला लेता है, तो या फिर कोई कोई ग्रेनेड अच्छा होता है। तो आप लोगों को एक दूसरे के गेम को ऑब्जर्व करना है, तभी तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि कौन से प्लेयर के पास कौन सी स्किल है। और जब आप लोगों को ये चीज पता चल जाएगी तो सिंपली से आप लोगों से रिक्वेस्ट डाल देना, और रिक्वेस्ट जैसे एक्सेप्ट कर ले तो आप लोगों को अपने टीम के अंदर उसे बुलाना है और उसको बोलना है कि देखो भाई आपकी जो है रसिंग स्किल मुझे काफी अच्छी लगी, हम लोग एक परमानेंट स्क्वाड बना रहे हैं, तो क्या आप मेरे स्क्वाड के अंदर एक रसर बनना चाहोगे? और आप लोग जैसे उसे बोलोगे ना कि आपकी ये स्किल काफी मुझे अच्छी लगी, वो तभी मान जाएगा, खुश हो जाएगा, 100% मान जाएगा। तो देखो ये तो होगी पहली ट्रिक अपनी परमानेंट स्क्वाड फाइंड करने की, बट अगर आप लोगों को इतना कुछ नहीं करना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपना जो है आप लोग जो भी हो, एक असॉल्टर अच्छे होते असॉल्टर, या फिर एक रसर अच्छे तो रसर, या फिर ग्रेनेडर हो या फिर स्नाइपर हो, जो भी आप लोगों में अच्छी स्किल है वो लिख देना है, और अपनी लेवल को लिख देना है और UID को, तीनों के एक साथ लिख करके कमेंट कर देना है, और ऐसा सभी बंदे करेंगे। और आप लोग दो तीन दिन बाद इस वीडियो के नीचे मतलब विजिट करना, तो आप लोगों को अपने हिसाब से तरह से तरह तरह के प्लेयर वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे सिंपली सा रिक्वेस्ट भेज देना, बात वगैरह कर लेना, कमेंट में रिक्वेस्ट भेज देना, और सिंपली से आप लोग उसके साथ अपना जो है स्क्वाड को आगे बढ़ा सकते हो, इसी तरह से आप लोग अपने आगे के प्लेयर्स को ढूंढ सकते हो। अब देखो स्क्वाड तो आप सभी लोगों को मिल जाएगा, बट वो स्क्वाड जो है परमानेंट नहीं रहेगा, वो स्क्वाड जो है वो आप लोगों का टूट जाएगा, क्योंकि देखो आप लोग एक गलती करोगे, आप लोगों के पास जैसे ही आप लोगों को अपना पूरा प्लेयर मिल जाए, आप लोगों को स्कॉल्टर मिल जाए, स्नाइपर मिल जाए, रसर मिल जाए, ग्रेनेड मिल जाए, जैसे आप लोगों को सब प्लेयर मिल जाए तो उनके साथ आप एक ग्रुप बना लो किसी सोशल मीडिया पे, ताकि अगर किसी प्लेयर को कोई इमरजेंसी आ जाती है और वो गेम प्ले नहीं कर पाता तो ऐसे सिचुएशन में अपनी स्क्वाड को जो है तोड़ने से अच्छा उसके जगह पे किसी न्यू प्लेयर को ले सकते, इसलिए आप लोग एक ग्रुप बना लेना। बाकी आज की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज से भाई लोग एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। बाय बाय।